जा रहा हूँ भाई साहब, मेरे को 35-40 साल चला बालता बिल्कुल नहीं हो रहा, नहीं आगे थोड़ा आगे है ना, सीधे कट मार, सीधे कट मार, तू मुड़ है भाई साहब। This is Raven Beats. मजा आया। हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो भाई कैसे हो सब लोग, आई होप सभी लोग सही होंगे। तो भाई आज की जो राइड होने वाली है हमारी अल्मोड़ा ट्रिप में होने वाली है, तो अल्मोड़ा जा रहे हैं अपने चार बाइकर हैं। यहाँ देख सकते हो RC 200 जो न्यू मॉडल है, एंड एडवेंचर 250 CC, एंड ड्यूक 390, एंड अपनी निम्मो ड्यूक 390। तो भाई अपने साथ हैं यहाँ पे मयंक भाई एंड यश भाई एंड अपने अरमान भाई। तो भाई चलना है फिर अल्मोड़ा। तो भाई अभी चलेंगे सीधे यहाँ से अल्मोड़ा, एंड नैनीताल वाली रोड से चलते हैं, नैनीताल से सीधा वहाँ चलेंगे, वो भवाली होते हुए अल्मोड़ा चलेंगे। एंड अल्मोड़ा भाई सारा दिन घूम के ना, मतलब फिर अगले दिन भाई जागेश्वर के लिए निकलना है। तो भाई अभी फिलहाल चलते हैं, लेट भी नहीं करते हैं भाई, अभी फिलहाल टाइम हो रहा है 10 बज रहे हैं, एंड भाई चलते हैं सीधा। बाकी बातें गाइस रोड में करेंगे। एंड भाई अपनी ड्यूक 390 ये है। बाकी यहाँ पे थोड़ा आए थे KTM के वर्कशॉप में, तो यहाँ पे थोड़ा अपना चैन वैन सेट करवा लिया, चैन वैन लूप वूप करा ली। तो सारे राइडर रेडी हैं गाइस और चल रहे हैं अपने सीधा अल्मोड़ा। तो गाइज रेडी हो चुके हैं, एंड गाइज अभी जो है हम अभी रुद्रपुर में हैं, एंड रुद्रपुर से अपने राइड स्टार्ट करी है। बाकी गाइज बाइक तो भाई निम्मो अभी मक्खन चल रही है, एंड गाइज सर्विस का भी टाइम हो गया, इसका सर्विस भी कराएंगे थोड़े दिनों बाद। अभी तो कुछ किलोमीटर पहले चला लेते हैं, अभी मतलब 1000 किलोमीटर 1000-2000 किलोमीटर चला लेते हैं, बाकी बाद में जाके सर्विस करा लेंगे। तो फिलहाल चल रहे हैं, बाकी सारे राइडर आ गए हैं, देते हैं भगाते हैं। ओहो, अल्टीमेट पावर गाइज। तो यहाँ गाइज अपने साथ एक और 390 है, सेम ही है, मतलब 390 वो भी रैपिंग हो रखी है, तो भाई ने कुछ अलग डिज़ाइन से रैपिंग करवाई है, एंड RC 200 है, एंड एडवेंचर 250 CC है भाई। तो चल रहे सीधा अल्मोड़ा वाली ट्रिप में। एंड भाई हमने ने पता है क्या करना है गाइज, अल्मोड़ा जाना है एंड पूरा घूमना है, मतलब जितना भी घूमा जाएगा हम पूरा ब्लॉग में आपको पता चल जाएगा। बाकी गाइज वहाँ पे नाइट स्टे करना है अल्मोड़ा में, एंड नेक्स्ट डे सुबह मॉर्निंग में ही मतलब जागेश्वर के लिए निकलना है, जागेश्वर धाम दर्शन के लिए, एंड जागेश्वर धाम जाके वहाँ पे भी घूम फिर के फिर गाइज वापस घर को आना है। तो भाई ये है अपनी राइड, एंड भाई सीधा चलते हैं, पहले भाई लोगों को फ्यूल वगैरह भरवाना है, अपना तो फ्यूल है डलवा के लेके आए थे, चलो फिर। तो गाइज ये वाली जो 390 है ना भाई, ने भाई एग्जॉस्ट ऐसे करवा रखा है ना यार, बढ़िया बेस जैसे साउंड दे रही है, बट अपने भी करवाएंगे, लेकिन अपने गाइज फुल सिस्टम कराएंगे डायरेक्ट सीधा, एंड गाइज उसके बाद देखेंगे साउंड भाई गजब की आने वाली है। एंड भाई यहाँ 2 390 हो गई भाई, यानी 200 CC से गाइज कोई नीचे गाड़ी है ही नहीं यहाँ पे भाई, राइड में आने वाले बहुत ज़्यादा मजे, एंड इन्जॉय भी करने वाले बहुत ज़्यादा, तो क्रेजी सीन होने वाला है गाइज। तो थम्स अप कर दो यार वीडियो पसंद आएगी तो। यहाँ RC 200 और अपने यहाँ पे प्रॉपर भाई राइडिंग सूट एंड ग्लव्स में। तो यहाँ गाइस साथ में चल रही है एडवेंचर 250। A few moments later. यो गाइस हल्द्वानी पहुंचने वाले हैं अभी, तो रुद्रपुर से सीधा हल्द्वानी पहुंचने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है भाई, 15-20 किलोमीटर का गैप है। एंड भाई अभी सीधा जाएंगे अपने नैनीताल, एंड नैनीताल वाली रोड से चलेंगे भाई, बिकॉज अरे बाइक क्यों ऑफ हो रही है। तो गाइस यार ट्रैफिक देख रहे हो भाई, यहाँ काठगोदाम अभी पहुँचे और यहाँ पे अभी तो ट्रैफिक, और साथ में चल रही है RC 200, एंड भाई बाकी जो दो भाई लोग हैं वो थोड़े बहुत आगे पहुँच गए हैं। तो भाई चलते हैं एंड साथ में राइड करते हैं, माउंटेन वाली लीन करते हुए चलते हैं। तो नैनीताल वाली रोड से जाएंगे गाइस, तो मिलते हैं फिर आगे। तो अपने भाई लोग भाई यहाँ पे रुके हुए हैं, एंड यहाँ पे थोड़ा बहुत भाई ब्रेकफास्ट कर लेते हैं भाई, अभी बज रहे हैं 12 बजने वाले हैं भाई, तो भाई बहुत लेट हो चुका है, एंड ब्रेकफास्ट कर लेते हैं भाई, भूख भी लगी है। तो गाइस यहाँ बाइक अपनी पार्क हो चुकी है 390 RC 200, एंड वहाँ पे 390 खड़ी है, एंड एडवेंचर भी वहीं खड़ी है। तो चलते हैं भाई सीधा, देख रहा है मैं एक गोली बनाते हुए ले जा रहा लौंडा। थ्री नाइनटी से बंदी लेके जा रहा गोली बनाते हुए। कोई दिक्कत नहीं है, जब ऐसे लिंक करके उसे इस पोजीशन में लेके आते ना, आज मैं हल्का ब्रेक लगा था आगे वाला, जब ब्रेक लगा केड़ा उस टाइम साफ हो जाना, कुछ नहीं बचना उसको। हाँ ये तो है, पैर पैर टूटेगा, हाथ टूटेगा, पक्का पक्का टूटेगा, तो जरूर टूटेगा, जरूर टूटना जरूर है। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, केचुए यार ये देख, कैसी कौन सी केचुए,
केचुए भाई, केचुए जड़े हैं यार, जड़े हैं यार, ये केचुए थोड़ी ना है। तो गाइस अपनों ने भाई यहाँ से ब्रेकफास्ट कर लिया है और भाई सारे रेडी हो रहे हैं, अब तो चल रहे हैं सीधा। हाँ भाई चलो यार, अब सामने मैं बैटरी चेंज करूँगा बस, चलो। हाँ हाँ चलो चलो आओ। तो गाइस रेडी हो चुके हैं एंड नैनीताल से, अभी नैनीताल यहाँ से 28 किलोमीटर है एंड वहाँ से मतलब नैनीताल पूरा प्रॉपर नहीं जाना है, वहाँ से बीच में से कट आएगा, वहाँ से सीधे रोड जाएगी शायद भवाली जाएगी, वहाँ से फिर भवाली चलेंगे अपने, तो भवाली से सीधा फिर अल्मोड़ा। तो भाई चलो अब साथ हो गए सारे, साथ चलते हैं। ये गाइस अब हो गई लेन की बारी चालू और रेडी। भाई आर से 200 बहुत आगे निकल गई है भाई, और अपने यहाँ 3 चल रहे हैं आराम से लीन करते हुए भाई, मस्त एकदम, मौसम भी बढ़िया हो रहा है एंड भाई पूरे गियर्स पहन रखे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो फिर आराम से एंजॉय करते हो, चिल करते हो, चलते गाइस। और भाई ने अभी 1000 फ्लैशर ऑन करे लग रहा है इसे, और यहाँ भाई पापा की परी भाई माउंटेन में विदाउट हेलमेट, तो अगर चलाओ तो भाई डुअल हेलमेट तो जरूर लगाओ यार। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, ये क्या था? तो भाई यहाँ पता नहीं क्या हुआ सीन यार, मेरे सामने थे मतलब जो अरमान भाई थे, ये हुआ क्या? ये हुआ क्या? पहले स्कूटी वाला वो डांटने के चक्कर में है, जब देखा इतनी सारी गाड़ी आ रही है फिर कह रहा है भाई साहब ठीक है, भाई साहब है। मैंने कहा ये सही है यार, चलो फिर चलो यार। तो गाइस मतलब स्कूटी वाले के सामने से भाई ने थोड़ा बहुत कट मारा, तो वो स्कूटी वाले बोल रहे भाई एक मतलब अचानक इतने खतरनाक तरीके से भाई कट क्यों मार रहे हो मतलब यार सामने वाले। तो कोई दिक्कत नहीं है गाइस यार, तो मतलब सही चल रहे थे मेरे हिसाब से, तो भाई मतलब सही चल रहे थे मेरे सामने चल रहे थे, मैं देख रहा था भाई सही चल रहे थे, तो यार वो अंकल जी सोच रहे थे ना मतलब ऐसा कुछ। तो जो भी आपने सीन देख लिया, बाकी गाइस राइट।